सब सत्संगी के गुण हैं। सत्संग में आए और कुछ साथ नहीं ले जाए तो क्या काम सत्संग में आने का, फिर क्या फायदा अब इतनी रात को यहाँ बैठे हैं जब साथ में कुछ ले जाना नहीं है, घर जाके सब भूल जाना है। तो अगर सत्संग में आ रहे हैं तो कोई एक दो अच्छी बात अपने साथ लेकर जाइए। तो नरसिंह जी ने कहा कि अगर मेरे कारण इतना विवाद हो रहा है तो मैं ही जाऊं, आपका घर है आप क्यों जाओगे। और बड़े भाई का आशीर्वाद लेकर नरसिंह जी तो घर से निकल गया। दिन भर तो वो गांव में घूमते हैं, कोई सहारा नहीं मिलता, तो रात में नरसिंह जी जंगल में पहुंच गए। और जंगल में नरसिंह जी को महादेव जी का मंदिर मिलता है। जंगल में किसका मंदिर मिले, कहे तो हनुमान जी और कहे महादेव जी, तो जंगल में ये दो ही जन का मंदिर मिल सकता है आपको। क्यों? क्योंकि दोनों को सेवा की कोई जरूरत नहीं। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा एक महाराज से कि महाराज बड़े बड़े ट्रस्टी लोग महादेव जी का ही मंदिर क्यों बनाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि महादेव जी के पूरे साल में एक ही उत्सव महाशिवरात्रि, उस ट्रस्टी उस दिन मंदिर आओ और बाकी घर मौज करो। ये हमारे भगवान के अगर उत्सव बता दिए जाए, जन्माष्टमी, झूलन उत्सव, राधा अष्टमी, फागण, अन्नकूट, कितना कितना ट्रस्टी बेचारे सोचते घर संभाले कि मंदिर संभाले, इतने उत्सव। जंगल में उनको महादेव जी का ही मंदिर मिलता है और वो महादेव जी को ही मनाते हैं। और 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए उन्होंने महादेव जी को मनाया। और ऐसे भी देखिए महादेव जी बड़े भोले भगवान हैं, बहुत जल्दी प्रार्थना सुनते हैं और खास करके उनकी तो बहुत ही सुनते हैं जो खुद बहुत भोले होते हैं। नरसिंह जी बहुत भोले भक्त हैं, उन्होंने अपने बारे में ज्यादा कभी भी नहीं सोचा। और आज का समय ऐसा है कि हर व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा है, और अगर उसकी स्थिति है भी ऐसी कि वो दूसरों के बारे में सोच सके तो भी वो अपने ही बारे में सोच रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब लोग सहायता की बात करते हैं कि आपको दान करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए, तो कई लोग कहते हैं कि भाई हमने कमाया है, कमी हो जाएगी हमारे। तो हमेशा कहती हूँ कि आप अकेले तो नहीं है, अगर उसकी कृपा नहीं होती, उन्होंने रक्षा नहीं करी होती तो शायद ये नहीं होता। और शायद उन्होंने आपको दिया ही इसीलिए है कि आप लोगों की मदद कर पाए। जैसे एक व्यक्ति है परिवार में, कितने एक दो व्यक्ति घर के ऐसे होते हैं जो कमाते हैं, अगर वो ये कह दे कि मैं कमाऊं तो मैं ही खाऊं तो परिवार चल सकता है, हाँ कि ना, बताइए जोर से, नहीं चल सकता। तो हम सब, ये पूरी दुनिया भगवान का एक परिवार है, इसमें कुछ को भगवान ने समर्थ बनाया है, लेकिन वो क्या कर रहा है, मैं कमाऊं तो मैं ही खाऊं, ऐसे भगवान का परिवार तो नहीं चल सकता ना। उनको तो यही लगेगा कि नहीं भाई ये मेरे काम का व्यक्ति नहीं है, किसी और को दो ये सब, क्योंकि जो देना जानता है वो वापस लेना भी जानता है। ये कभी मत सोचना कि आपके धन की कोई कमी हो जाएगी, आप किसी की सहायता करेंगे, क्योंकि वो होने नहीं देगा, उसने आपको चुना ही इस काम के लिए इसीलिए। और भगवान किसी का उपकार भी नहीं रखते। जब द्रौपदी जी का प्रसंग आता है ना कि भगवान ने जब उनकी साड़ी बढ़ाई थी तो कपड़ों का पहाड़ लगा दिया था, और आपको पता है कि भगवान ने इतना कुछ किया वो किस कारण किया था। एक तो भक्त की सहायता करते आप पुकारते हैं, कि जब पांडवों ने एक पूजा रखी थी उसमें भगवान की अग्नि पूजा हो रही है और शिशुपाल आकर भगवान को बहुत अपशब्द कहने लगते हैं, भगवान सुदर्शन चक्र फेंकते हैं जल्दबाजी में तो उनकी उंगली कट जाती है। पीछे द्रौपदी जी खड़ी थी, उन्होंने अपनी साड़ी फाड़ कर भगवान की उंगली पर बांध। अब अगर उंगली में चोट लगी है तो कितनी साड़ी की जरूरत हुई होगी, कितनी, उससे ज्यादा भगवान ने कितनी साड़ी बढ़ाई, क्योंकि भगवान किसी का उपकार नहीं रखते। आप इतना करेंगे वो आपको इतना वापस करेंगे, तो ये याद रखिए कि भगवान किसी का उपकार नहीं रखते।